नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर सत्येंद्र तमोली आप सभी का स्वागत करता हूं सी सी गुरुकुल के योग व्याख्यान श्रृंखला के आज के व्याख्यान में साथियों आज हम चर्चा करेंगे योग के भावना चतुष्ट विचार के वर्तमान में प्रासंगिकता विषय पर आप सभी योग के जिज्ञासुओं को शायद पता होगा कि योग में योग दर्शन में एक कॉन्सेप्ट महर्षि पतंजलि ने दिया है भावना चतुष्टय का भावना चतुष्टय एक ऐसा विचार है जिसको कि हम सार्वभौमिक विचार मान सकते हैं यह काल परिस्थिति से ऊपर उठकर एक अभिकल्पना है एक विचार है समाज को या मानव जाति को आ, के विकास के लिए मानव जाति के उन्नयन के लिए आज हम इसी विचार को वर्तमान की परिदृश्य में लेकर हम चलेंगे वर्तमान में जो समाज में विघटनकारी भावनाएं पनप रही हैं या विघटनकारी जो मानसिकता है वो उभरित होकर आ रही है उसको किस तरह से हम एक तरह का उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं ये योग ने किस तरह से समाज को दिया है ये कॉन्सेप्ट किस तरह से समाज के लिए उपयोगी बन सकता है इसी पर आज हम चर्चा करेंगे तो आज के व्याख्यान की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हम समझते हैं कि योग सूत्र एक ग्रंथ जो महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित एक ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि पतंजलि ने आ, आ, किस प्रयोजन से की इसका इसका जो स्वरूप है वो किस तरह से उन्होंने प्रतिपादित किया इस पर हम थोड़ा सा चर्चा पर इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पतंजलि योग सूत्र जो है उसका संगठन क्या है उसकी संरचना क्या है इसमें महर्षि पतंजलि ने चार पादों की या हम कह सकते हैं चार अध्याय या चार चैप्टर्स इसमें दिए हैं सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने बताया है समाधिपाद जिसमें कि इक्यावन सूत्र हैं सूत्र क्या है इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सूत्र का कॉन्सेप्ट जिस तरह से हम फिजिक्स पढ़ते हैं और फिजिक्स में या मैथ्स में हम सूत्र समझते हैं तो वहाँ पर सूत्र की अभिकल्पना किस तरह से की गई है कि आपको एक सूत्र एक छोटा सा माध्यम दिया जाता जाता है और उसको आप अपनी तरह से या अपनी समझ से या एक सिद्धांत की समझ से उसको आप डेरीवेट करते हैं उसकी आप व्याख्या करते हैं तो यहाँ पर भी जो सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए हैं वो भले ही छोटे हों जैसे हम पतंजलि योग सूत्र का सबसे पहला सूत्र जो है अथ योगानुशासनम इसको अगर हम लें तो एक छोटा सा सूत्र है लेकिन ये सारगर्भित है इसको जब हम डेरिवेट करते हैं जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो कई प्रश्नों में जब इसकी व्याख्याकार कई व्याख्याकार हुए हैं जैसे वाचस्पति मिश्र हैं विज्ञान भिक्षु हैं इन्होंने जब इसकी व्याख्या की तो एक बहुत असीमित व्याख्या इसकी होने के लिए तैयार हो जाती है तो ये ऐसे छोटे छोटे सूत्र हैं जिनको कि योग में बहुत ही प्रधान माना गया है हम जब और दर्शनों की बात करते हैं तो योग दर्शन में और अन्य दर्शनों में अन्य दर्शनों को अगर हम समझें तो वहाँ पर बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की गई लेकिन योग ग्रंथ योग का जो मूल ग्रंथ है जिसको कि हम योग सूत्र के नाम से जानते हैं उसको अगर हम देखें तो एक, एक सौ पिचानवे कुल इसमें सूत्र हैं और हर सूत्र अपने आप में एक यूनिक आइडिया के साथ है एक उसका उसका अपना एक अस्तित्व है हर सूत्र अपने अस्तित्व के साथ है लेकिन इसके जितने भी सूत्र हैं वो एक साथ जो है एक जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक चैन रिएक्शन है अगर हम एक सूत्र को भी हटा दें भले उस सूत्र का अपना अस्तित्व है लेकिन वो दूसरे सूत्र के साथ इस तरह से बिंदा हुआ है इस तरह से पिरोया गया है कि वो अगला सूत्र पिछले वाले सूत्र से के बिना अधूरा है तो इस तरह की कल्पना महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की की है तो इसमें सबसे पहला है समाधिपाद जिसमें इक्यावन सूत्र हैं दूसरा आता है साधनपाद जिसमें पचपन सूत्र हैं तीसरा विभूति पाद इसमें इस फिर से पचपन सूत्र हैं चौथा है, है कैबल्य पाद इसमें इस मिला के पिचानवे सूत्रों के साथ महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों को लिपिबद्ध किया है अब हम अगर बात करते हैं कि जो हमारा आज का विषय है भावना चतुष्टय भावना चतुष्टय का योग सूत्र में कहा पर किस तरह से हमें प्राप्त होता है कहाँ पर इसकी प्राप्यता है उसकी अगर हम बात करें तो समाधिपाद जो कि योग सूत्र का पहला चैप्टर या पहला पाद हम कहें तो पहले पाद का तैतीसवां जो सूत्र है वो है समाधि पाद समाधि पाद के तैतीसवा सूत्र जो है वो है आ, जिसमें कि हमारी चार भावनाएं बताई गई हैं ये चार भावनाएं कौन कौन सी है मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा ये चार भावनाएं हैं अगर हम सूत्र को समझें तो सूत्र कहता है मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्या विषयानाम भावना तश्चित प्रसादनम अर्थात इसको हम आ, आगे हम इसकी व्याख्या करेंगे और उसको समझेंगे कि स्टेप वाइज हम समझेंगे कि इस पर क्या क्या है तो सबसे पहले हम समझते हैं मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना यहां पर संक्षिप्त बता देते हैं कि मैत्री किसके साथ इसमें महर्षि पतंजलि ने समाज के उस पक्ष को लेकर काम किया है जो कि भले ही योग की साधना में रथ ना हो योग ना कर रहा हो योग का अभ्यास ना कर रहा हो लेकिन समाज का हिस्सा है समाज का एक घटक है उसके लिए महर्षि पतंजलि बताते हैं कि आपको समाज में रहकर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए आप अगर एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं आप अगर एक अच्छे समाज में रहकर अच्छे समाज की परिकल्पना करना चाहते हैं तो आपको समाज में किस तरह से रहना होगा इसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आपको किस तरह का व्यवहार किस तरह की पर्सनैलिटी के साथ या किस तरह के समाज के साथ किस तरह का व्यवहार आपको करना है तो अगर एक हम सामान्य व्यक्ति की बात करें तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि महर्षि पतंजलि का जो स्टेटमेंट है वो ये है मैत्री किसके साथ करनी चाहिए समाज में आपको मैत्री यानी कि मित्रता किसके साथ करनी चाहिए समाज में मैत्री करनी चाहिए आपको सुखी व्यक्ति के साथ जो समाज सुख से परिपूर्ण है जो सुखी है सुख की परिकल्पना भले ही हर समाज की अलग हो सकती है कुछ भौतिक जो सामग्री है उसमें सुख ढूंढते हैं कुछ परिवार में सुख ढूंढते हैं कोई आध्यात्म में सुख ढूंढ सकता है कोई समाज की सेवा में सुख ढूंढ सकता है तो सभी का सुख की परिकल्पना अलग हो सकती है लेकिन एक अगर हम यूनिवर्सल फॉर्म मान के चलें सुख की तो सुखी वह व्यक्ति है जो संतुष्ट है जो आत्म संतुष्ट है जिसके पास जितना है वो उसमें संतुष्ट है आ, उसको हम सुखी कह सकते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर आपको मित्रता करनी है तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप मित्रता कीजिए जो सुखी है सुखी का मतलब यहां पर स्पष्ट कर दिया जा, गया है कि सुखी का मतलब आ, धन की सुख से नहीं व्यापार के सुख से नहीं बल्कि आत्मिक सुख से है जो आत्म में संतुष्ट है स्वयं में संतुष्ट है जितना उसके पास है उसमें जो संतुष्ट है वो सुखी है तो ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता का भाव करना चाहिए मित्रता का भाव क्यों करना चाहिए हम आगे इसको हम डिस्कस करेंगे उसके बाद आता है करुणा करुणा किसके प्रति रखनी चाहिए करुणा का भाव रखना चाहिए दुखियों के प्रति जो व्यक्ति दुखी है इस समाज में जो दुखी व्यक्ति है उसके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए जब हम समाज में संगठित होकर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबके दुख और सबके सुख अलग अलग हैं कोई सुख किसी के लिए दुख है और कोई दुख किसी के लिए सुख है लेकिन यहाँ पर दुख की परिकल्पना कही गई है जो अभाव है जीवन में जब अभाव उत्पन्न होता है तो दुख उत्पन्न होता है तो जो जहां पर जिस चीज का अभाव है अभाव आपका आ, आ, स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं किसी चीज के लिए तो वो हमें वो नहीं देता जिसके लिए हमने प्रार्थना की, की है क्यों क्योंकि हम उसकी अपेक्षा करते हैं ईश्वर या जो हमारा इष्ट है वो हमें क्या देता है हमें वो देता है जिसकी हमारे हमारे लिए आवश्यकता है अर्थात हमारे लिए अब इसके इसको एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत भूखा है और उसको भूख लगी है और आप उसके पास गए और आपने कहा कि आप मेरे साथ चलिए मैं आपको खाना खिला सकता हूँ लेकिन मेरा घर यहाँ से कुछ दूरी पर है एक या दो घंटे की दूरी पर है आपको एक दो घंटे बाद में खाना और पानी पिला सकता हूँ बहुत बढ़िया खाना और बहुत बढ़िया तरह से मैं आपको आ, अपने घर में आपकी खातिरदारी कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास ये सूखी रोटियाँ पड़ी हैं अगर आप इनमें खाना ये खाना चाहें तो ये खा लीजिए नहीं तो दो घंटे बाद मेरे घर चलिए और मैं आपको आ, बहुत अच्छा खाना और बहुत अच्छे व्यंजन में आपको पका के दूंगा तो उस समय की आवश्यकता क्या है उस समय की आवश्यकता केवल भूख की आवश्यकता है वो जो सूखी रोटियां हैं वो भी भूख को खत्म कर सकती हैं तो यदि जो वो, वो भूखा व्यक्ति उन रोटियों को खा लेता है तो वो अपनी भूख को शांत कर लेता है तो इस तरह से जो आवश्यकता है वो अलग होती है अपेक्षाएं अलग होती हैं हम अपेक्षा कर रहे हैं वो हमें नहीं मिला है इसलिए हम दुखी हैं ये अलग है हमारी जो आवश्यकता है वो हमें नहीं मिली है वो जो कारण है वो दुख का कारण हो सकता है तो यहाँ पर उसी समाज की बात की गई है जिसके पास आवश्यक भर भी नहीं है, 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 है।, है मुदिता, मुदिता मतलब प्रसन्नता का भाव अब ये प्रसन्नता का भाव किसके प्रति रखना है प्रसन्नता का भाव रखना है पुण्यशील व्यक्ति के प्रति जो पुण्यशील व्यक्ति है अब ये पुण्यशील व्यक्ति कौन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है पुण्यशील व्यक्ति वह है जो कि अच्छे कार्य कर रहा है समाज के लिए हित कर रहा है समाज को एक सकारात्मक दिशा में लेके जा रहा है समाज का विकास कर रहा है उन्नयन कर रहा है वो पुण्यशील व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति को देख कर ऐसे व्यक्ति के साथ प्रसन्नता के साथ उसके साथ व्यवहार करना चाहिए अगला आता है उपेक्षा उपेक्षा कौन उपेक्षा किसकी जो अपुण्यशील है अपुण्यशील कौन जो समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है समाज में विघटन पैदा कर रहा है समाज को तोड़ने का काम कर रहा है मानवता को तोड़ने का काम कर रहा है ऐसे व्यक्ति के साथ आ, उपेक्षा का भाव करना चाहिए तो इन चारों भावना को उन चारों समाज के प्रति रखने से क्या होगा कहते हैं भावना तसाधन अर्थात ऐसी भावना करने से ऐसे समाज के साथ या ऐसे लोगों के साथ ऐसी भावना करने से चित्त का प्रसादन होता है तो जब चित्त प्रसन्नता एकाग्रता और स्थिरता हो मन में प्रसन्नता हो एकाग्रता हो और स्थिरता हो ऐसा चित्त या ऐसा मन प्रसादन को प्राप्त होता है प्रसादन का मतलब प्रसन्नता को प्रसादन का मतलब योग की प्रसादी के दृष्टिकोण से देखें तो वो साधना में या समाधि में रत होता है ऐसा चित्त समाधि में रत होता है यानी कि समाधि के लिए काम करता है लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा मन प्र प्रफुल्लित होता है विकासवादी होता है और उसका जो एक लक्ष्य है वो सकारात्मक लक्ष्य के लिए वो कार्य कर रहा होता है ऐसा चित्त तो वो क्या कहते हैं प्रसन्नता इन चार भावनाओं से आपके जीवन में क्या आएगी प्रसन्नता एक व्यवहारिक पक्ष को लेकर हम चल रहे हैं पर व्यवहारिक पक्ष की हम बात कर रहे हैं तो अगर हम उन चार भावनाओं को उन चार समाजों के प्रति व्यवहार करते हैं तो इससे क्या होगा इससे हमारा चित्त प्रसन्न होगा मन प्रसन्न होगा मन प्रसन्न होगा परिवार प्रसन्न होगा परिवार प्रसन्न होगा समाज प्रसन्न होगा समाज प्रसन्न होगा हमारा देश प्रसन्न होगा तो ये एक 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 रिएक्शन शुरू हो जाती है एक चेन रिएक्शन शुरू होता है कि अगर एक व्यक्ति खुद में प्रसन्न है तो वो अपने परिवार को भी प्रसन्न करता है अगर एक परिवार खुद में प्रसन्न है तो वो अपने आसपास की सोसाइटी जो है आसपास के लोग जो है आसपास का जो उसका ग्रुप है उसको भी वो प्रसन्न करता है और वो ग्रुप मिलकर एक देश को एक बड़े समाज को एक बड़े स्तर पर कार्य करता है ऐसे ही कहते हैं एकाग्रता आती है एकाग्रता अर्थात तो कॉन्सेंट्रेशन तो हमारे तो जीवन तो में कंसंट्रेशन का बड़ा अभाव है हम अपने अपने मन को अपने मस्तिष्क को स्थिर नहीं रख पाते कि हमें कहाँ पर कितनी देर रुकना है तो इस तरह की भावनाओं को रखने से आपका मन एकाग्र होगा अपने कार्य के प्रति अपने लक्ष्य के प्रति अपने जीवन के प्रति अपने अपने चाहे वो समाज कहें चाहे देश कहें चाहे अपने परिवार के प्रति कहें एकाग्रता आएगी कार्य के प्रति तीसरा है स्थिरता स्थिरता का मतलब स्टेबिलिटी माइंड आपका स्टेबल होगा हम चाहे एजुकेशन लेवल की बात करें आ, एक स्टूडेंट की अगर हम बात करें और जब वो स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़ता होता है बढ़ता चलता है बढ़ता चलता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाता है फिर एक फैमिली लाइफ में जाता है तो हम देखते हैं कि जितनी ज़्यादा उसके व्यवहार में उसकी सोच में उसकी शिक्षा में उसके चिंतन में जितनी ज़्यादा स्थिरता होती उतनी ज़्यादा वो विकास कर पाता है अगर हम बात करें बड़े किसी साइंटिस्ट का अगर हम नाम लेते हैं या मान लीजिए हम हम कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन आइंस्टाइन का अगर हम बात करें तो वो स्थिरता थी फिजिक्स में को लेकर वो स्थिर था उसका माइंड स्थिर था उसकी सोच स्थिर थी उसका एक विजन था वो उस पर स्टेबल था उस उसी विचार को लेकर वो निरंतर कार्य करता रहा निरंतर चलता रहा और एक महान वैज्ञानिक बना चाहे हम गणित के किसी आ, महान गणितज्ञ की बात करें चाहे हम रामानुज की बात करें चाहे हम किसी भी किसी भी फील्ड की हम बात करें तो जब तक विचार में जब तक आ, जब तक आपके आश्रम में स्थिरता नहीं आएगी तब तक आप विकास नहीं कर सकते तो चित्त का प्रसादन तभी होगा जब आपके जीवन में स्थिरता आएगी और ये स्थिरता कैसे आएगी ये जो चार भावनाएं बताई गई हैं इनको जब आप अपने जीवन में अपने व्यवहार में लाएंगे तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी अब हम समझते हैं एक एक करके वो चार भावनाएं क्या हैं और उनका किस तरह से पालन किया जाता है उनसे क्या उनका हमारे जीवन पे क्या इम्पैक्ट आएगा किस तरह से इम्पैक्ट आता है तो सबसे पहले हमने बात की थी मैत्री मैत्री का अर्थ हम लगा सकते हैं सौहार्द की भावना हमने पहले बात की थी कि पतंजलि योग सूत्र पर कई भाष्य भी रचे गए कमेंट्रीज हुई हैं तो एक, एक भाष्य है विज्ञान भिक्षु का तो विज्ञान भिक्षु में योग वार्तिक में उन्होंने मैत्री को बताया है सौहार्द की भावना मैत्री का अर्थ कहा है उन्होंने सौहार्द की भावना इस भावना को जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं किसके प्रति व्यवहार करना चाहिए सौहार्द की भावना किसकी किसके लिए होनी चाहिए आपकी सुखी के प्रति जो समाज जो व्यक्ति जो प्राणी जगत में जो भी व्यक्ति सुखी है उसके साथ आप मित्रता कीजिए आप अगर ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता करते हैं तो वो सुख आप तक भी ट्रांसफर होगा हम ये देखते हैं जैसे फिजिक्स का एक नियम है कि आप गर्म चीज़ के सामने कोई ठंडी चीज़ ले जाते हैं तो वो गर्मी जो होती है वो ठंडी चीज़ की तरफ जाती है और इस तरह से जो उच्चतम तापमान है वो निम्न तापमान की ओर जाता है तो, तो ऐसे ही सकारात्मकता हमेशा जहां पर नकारात्मकता है उस तरफ उसको उसकी तरफ उसका फ्लो होता है और उसको सकारात्मक करने की उसकी चेष्टा होती है तो सुखी व्यक्ति के साथ अगर मैत्री करेंगे एक व्यक्ति अगर सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री करता है तो यानी कि तो दो, दो व्यक्ति सुखी हो गए फिर उन दो व्यक्तियों के साथ अगर उनके और मित्र लोग जुटते हैं और वो उनके साथ एक ग्रुप बनाते हैं तो एक ग्रुप तैयार हो जाता है सुखी व्यक्तियों का ग्रुप और वो एक सुखी समाज की भावना करते हैं तो यहाँ पर जब हम आगे हम बढ़ें तो हम पाते हैं कि इसका लाभ क्या होगा अगर हम बात करें कि अगर हम सुखी व्यक्ति के प्रति हम मैत्री का भाव रखते हैं तो उसका लाभ क्या होगा उससे उसका उसका फायदा क्या होगा समाज को उसका लाभ क्या होगा समाज में उसका लाभ का उसका उसका लाभ होगा ईर्ष्या भाव का नाश जो जलियस जलसी एक ह्यूमन जो माइंड है उसमें एक एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जलेसी का ईर्षा का भाव डेवलप होता है तो वो नष्ट हो जाता है जब आप मैत्री करते हैं किसी के साथ सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री करते हैं हम सामान्य रूप से देखते हैं कि जो हमारा घनिष्ठ मित्र है या हमारा घनिष्ठ परिवारजन है हम उसकी उन्नति से उसके 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 विकास से हमारे अंदर प्रसन्नता आती है तो क्या होता है जितनी ज्यादा हम मैत्री करते हैं हम उतने लोगों के प्रति ईर्ष्या का भाव हमारा नष्ट होना शुरू हो जाता है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है आ, और इस स्वाभाविक प्रक्रिया को बनाने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा यह ऐसा नहीं है कि केवल आप मित्रता बोलने से आप उसके आ, सुख के मित्र हो जाएंगे या उसके उसके प्रति ईर्ष्या करना छो, छोड़ देंगे आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको अपनी मानसिकता को दृढ़ करना पड़ेगा आपको अपनी सोच को दृढ़ करना पड़ेगा कि मुझे सौहार्द की भावना रखनी है हर उस व्यक्ति के प्रति जो सुखी है और आपको टटोलना पड़ेगा कि कौन सुखी है और किस तरह से सुख की उत्पत्ति की जा सकती है किस तरह के सुख को उत्पन्न किया जा सकता है तो उससे क्या कहा गया उससे कहा गया ईर्षा भाव का नाश होगा एक दूसरे कमेंटेटर हुए हैं उनका भाष्य है, है वाचस्पति मिश्र योग वार्तिक तत्ववैशारिधि तो उसमें इन्होंने व्याख्या की है कि मैत्री से क्या आपको लाभ होगा मैत्री से आपको ईर्ष्या भाव का नाश हो जाएगा करुणा करुणा से क्या होगा करुणा से अपकार जो अपकार का भाव है वो नष्ट हो जाएगा अपकार अर्थात दूसरे का अहित करने का भाव तो वो कहते हैं करुणा से क्या होगा करुणा क्या है करुणा है उपकार की भावना किसके प्रति दुखी के प्रति कोई व्यक्ति दुखी है उसके प्रति अगर आप करुणा करते हैं उसका उपकार करते हैं कोई व्यक्ति भूखा है उसको खाना खिलाते हैं कोई व्यक्ति असहाय है उसकी सहायता करते हैं कोई व्यक्ति अशिक्षित है उसको शिक्षा देने का प्रयोजन करते हैं चाहे ये किसी व्यक्ति के प्रति नहीं समाज के प्रति भी है पर्यावरण के प्रति भी है जब आप देखते हैं कि पर्यावरण में प्रदूषण है तो आप पर्यावरण के लिए भी काम कर सकते हैं यानी कि पर्यावरण दूषित होने का मतलब है पर्यावरण दुखी है तो अगर आप पर्यावरण के प्रति भी ये काम करते हैं तो आपके अंदर करुणा का भाव है और आप करुणा को किस तरह से आप बना सकते हैं उसका उपकार करके उसके लिए कुछ करके तो अगर कोई व्यक्ति आपको दुखी दिखता है और आप उसके लिए कुछ करते हैं तो आपका मन क्या होगा आपके मन में जो अपकार का भाव है अपकार का भाव किसे कहते हैं अपकार का भाव कहते हैं दूसरे का अहित करने का भाव तो वो जो दूसरे को अहित करने का भाव वो नष्ट हो जाएगा वो धीरे 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 धीरे, धीरे करके वो समाप्त होना शुरू हो जाता है मन में एक शांति का भावना शुरू हो जाता है मन में निश्चलता का भाव आना शुरू हो जाता है मन में बिना छल कपट के जीवन को जीने का भाव आना शुरू हो जाता है तो कहते हैं करुणा किसके प्रति करुणा दुखी व्यक्ति के प्रति जिसके पास चीजों का अभाव है चीजों का अभाव है यानी कि जो आवश्यकताएं हैं जो उसकी जरूरत भर चीजें हैं वो भी अगर उसे नहीं मिल पा रही हैं तो ऐसी चीजों का अगर आप प्रयोजन करते हैं उद्यम करते हैं तो आप उस चीज को समाज तक ला सकते हैं तो ये ही करुणा है यही समाज के प्रति आपका एक करुणाशील व्यक्ति होने का एक दायित्व है तो वो कहते हैं आपकार की भावना का नाश होगा दुखी के प्रति आपको करुणा का भाव रखना है इससे आपके मन आपका चित्त प्रसन्न होगा आपको आनंद की प्राप्ति होगी अगला अगर हम बात करें तो अगला है मुदिता मुदिता का हमने सामान्य सा अर्थ हमने आपको बताया था मुदिता का अर्थ होता है प्रसन्न होना प्रसन्न होना तो प्रसन्न होना तो यहां पर कहते हैं वाचस्पति मिश्र कहते हैं प्रीति की भावना मुदिता का अर्थ लगाते हैं वो प्रीति की भावना प्रीति की भावना अर्थात वही बात हुई प्रसन्न होना तो किसके प्रति प्रसन्न होना है आपको पुण्यशील व्यक्ति व्यक्ति के के प्रति के प्रति पुण्यशील अगर आप प्रसन्नता का भाव रखते हैं तो आपको क्या क्या नाश होगा क्या आपको गेन होगा तो आपको असूया भाव का नाश विज्ञान भिक्षु कहते हैं असूया भाव का नाश असूया भाव का असूया के असूया शब्द का अगर हम अर्थ करें तो असूया शब्द का अर्थ होता है परनिंदा दूसरे की हम जो चुगली करते हैं जो बुराई करते हैं उसका नाश हो जाता है यानी कि अगर हम पुण्यशील व्यक्ति के प्रति मोदीता का प्रसन्नता का प्रीति का भाव रखते हैं तो जो हमारे अंदर दूसरे की बुराई करने का जो भाव है उसका नाश हो जाता है परनिंदा का नाश हो जाता है पुण्यशील व्यक्ति कौन है हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि पुण्यशील व्यक्ति वो है जो समाज के लिए उन्नयन का काम कर रहा है समाज को समाज के विकास के लिए काम कर रहा है व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रहा है पर्यावरण के विकास के लिए काम कर रहा है जो हित के लिए काम कर रहा है जो सकारात्मक विचारों के साथ है तो ऐसे व्यक्ति को देखकर अगर आप प्रसन्न होते हैं तो आ, इसमें होता क्या है कि अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आप प्रसन्नता से मिलते हैं उसके साथ बात करते हैं तो उसके जो थॉट्स हैं उसके जो सकारात्मक विचार हैं वो आप तक उनका आदान प्रदान होना उनका शुरू हो जाता है तो उनके साथ उसके साथ जो विचारों का आदान प्रदान है ये लगातार बने रहने से क्या होता है इनके लगातार बने रहने से क्या होगा आपका जो अगला भाव है वो उत्तरोत्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा अगला विचार है उपेक्षा उपेक्षा कहते हैं औदासीन का भाव उदासीनता का भाव उदासीनता का भाव क्या होता है उदासीनता का भाव यहां पर किसी नकारात्मक भाव से नहीं है उदासीनता का अर्थ लगाया गया है यहां पर अपुण्यशील व्यक्ति जो समाज का विघटन कर रहा है ऐसे व्यक्ति के प्रति आप उदासीन रहिए उदासीन का मतलब होता है समभाव रखिए उसकी तरफ ना तो उसको उसका साथ दीजिए ना उससे आप घृणा कीजिए यहां पर घृणा का भाव नहीं है यहां पर है उदासीनता का भाव उदासीनता का भाव अगर आप रखते हैं तो क्या होगा अमर्ष भाव का नाश होगा अमर्ष भाव क्या है यह अमर्ष भाव है क्रोध का भाव अर्थात क्रोध नहीं होगा आपके जीवन में क्रोध नहीं होगा जो अपुण्यशील व्यक्ति आपको दिखता है तो कई बार हमें क्या होता है हम समाज में निकलते हैं हम देखते हैं कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो हमारे अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है तो अगर हम उपेक्षा का भाव कर देते हैं उदासीनता का भाव करते हैं तो वो क्रोध नष्ट हो जाता है वो क्रोध धीरे 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 खत्म होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर ये जो चारों मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा है इन चारों भावों को अगर एक व्यक्ति सकारात्मक रूप से अपने जीवन में लाने का प्रयास करता है तो वर्तमान में वो एक ऐसे जीवन स्तर को बनाकर रख सकता है जो खुद के लिए भी प्रसन्नता का कारण बनेगा और समाज को भी प्रसन्न करने का काम करेगा तो इसी आ, सार के साथ और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं धन्यवाद